फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पंजाब। एक्चुअली हुआ क्या है कि सुबह सुबह अपनी हार्वेस्टर हो गई है ख़राब, तो उसके कुछ पार्ट्स वगैरह हैं जो अभी अपने साइड मिलते हैं नहीं ना, तो इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे, टैक्सी भी उठाई अपनी और सीधे निकल लिए हम लोग पंजाब बरनाला। बिल्कुल एक बात तो यार ना, जो कंफर्ट यार डिफेंडर के अंदर है ना, वो कंफर्ट अपनी सेवन डबल ओ नहीं है। दूसरा, लेकिन जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, वो अपनी 700 का बेस्ट है। ये तो है एक्चुअली इसका कीप लाइन असिस्ट और ये सब ना बड़ा मतलब मजा खड़ा कर देता है चलने में ना रोड पे। यार ये पता जब मुगल हाईवे बन के तैयार हुआ था ना इस टाइम पे, बता नहीं सकता कि मतलब इतना नया ये कोई हाईवे बना हुआ रहे रहा होगा ना, पेरीमीटर मतलब खराब हुआ है। अपने यहाँ ना करप्शन बहुत है यार, जैसे अपना इधर ये जेपी एक्सप्रेस वे है ना, वो देखा हुआ कभी देर को उस रोड पे ना खड्डे नहीं मिले होंगे, और बी भी चला जाना प्राइवेट कंपनी के अंडर में, वो आज भी मतलब नया बना हुआ है और इससे कम से कम वो 15 साल पुराना हाईवे, 10 से 15 साल पुराना हाईवे है, उसके आज तक कोई इशू नहीं है। और इसकी लंका लग गई 3 साल में, इसमें तो जगह जगह कटिंग कर रखी है ना। अरे पूरा टूट गया यार, मजा ही नहीं आता चलने में। अभी तो ये हाल हो गया इसका ना, कि साला कहाँ है तोड़ बैठे हो किसी को आइडिया ही नहीं है। उस दिन यहाँ ना बारिश हो रही थी और हम लोग रात को निकले हुए थे, तो कितने बाल बाल बचे थे हम लोग, बीच में से पूरा हाईवे खत्म कर रखा था इन लोगों ने, खड्डा हो रखा था उसमें तो अच्छा था नीचे, मतलब सरिया दिख रहा था जमीन, नीचे नीचे वाला ग्राउंड क्लियर दिख रहा था, सरिया वरियन का जो पड़ा होता है पूरा दिख रहा था साफ साफ। क्या नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। डिफेंडर यूज करने के बाद में ये एक्सयूवी 700 के इंडिकेटर देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है कि उसका पूरा ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो एक्चुअली जो इंडिया से बाहर गाड़ियां रहती हैं ऐसे ना, उनका क्या होता है उधर लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग होता है, एज पर मॉनिटरिंग वो उस हिसाब से उसके कनेक्शन सेट किए होते हैं कि लाइट्स इंडिकेटर और ये सब इस हैंड पे हो गए, तो उन्होंने क्या किया इसका पूरा स्टेरिंग को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है, बाकी कनेक्शन सेम रख दिए। तो यहाँ क्या है कि पूरा का पूरा लाइटिंग पार्ट हो गया, लाइट इंडिकेटर ये सब पार्ट हो गया और इधर वाइपर पार्ट है उसका। मेरे को बस कन्फ्यूजन हो जा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ समझने की, बट एक दो बार होगा प्रैक्टिस लिया आ जाएगा। अपन जब बलैनो से एक्सयूवी 700 पे स्विच हुए थे, दोनों गाड़ी हम चलाते थे, तो हमें ध्यान होगा ऑटोमेटिक और उसका हम लोग कन्फ्यूज होते थे बहुत ज़्यादा, होता है थोड़ा बहुत, ये कुछ करने वाली चीज़ नहीं है, एक दो टाइम में आदत लग जाएगी। तुम बताओ बाकी तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोल रहा है, मैं देख जो देख पा रहा हूँ ना, अच्छा डिफेंडर के आगे ये थोड़ी कम साइलेंट प्रूफ है गाड़ी, बाहर की जो आवाज़ है ना इसमें ज़्यादा आ रही है, जो उसके अंदर नहीं आती थी इतनी बैठने के बाद, जो टायर्स हैं ना हमारे। अच्छा यार, आवाज़ तो उसमें भी इतनी ही आनी है, ठीक है,
अभी क्या है कि वो नई गाड़ी है तो इसलिए हमें महसूस नहीं हो रही बाहर की हवा, जो रोड पे खड्डों में और उधर पड़ेगी ना तो जो जॉइंट्स है उनके अंदर स्पेस आएगा थोड़ा बहुत, जब स्पेस आएगा तो हवा जानी शुरू होगी। जब ये नई हम एक्चुअली हम लोगों ने ली थी ना उस टाइम पे, तब ऐसी कोई शिकायत नहीं थी इसके अंदर भी, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन धीरे 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 वो आवाज़ आनी शुरू हो गई बाहर की ना टायर वगैरह सब। और वो कॉमन है यार, गाड़ी अगर चल रही है तो आने वाला है सब ना, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कोई। बारिश अच्छी खासी हो ही गई है यहाँ देखो, अभी खेत भी लबालब हुए पड़े हैं पानी, पानी बहुत ज्यादा है। अभी अपनी साइड भी अच्छी खासी बारिश हो गई थी, पूरा काम रुक गया था, अभी काम चला तो मशीन में कुछ दिक्कत आने लगी, छोड़ देना चाहिए था। एलेक्सा का सपोर्ट है नहीं क्या? उसमें नहीं है तो सही होगी उसमें? नहीं है उसमें ना सिरी है ना एलेक्सा है कुछ।